हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं वाटरमेलन की रेसिपी। ये देखिए, ये हमारे पास तरबूज के छिलके हैं। ये देखिए, ये इधर बैक का साइड है, इसका आगे का साइड है। इसमें से मैंने इसका जो रेड वाला पार्ट है वो निकाल दिया है। इसकी हम बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाएंगे जो है कि टूटी फ्रूटी। तो देखिए, इस तरीके से हमें पहले इसके छिलके को निकाल देना है। ऐसा करके हमें छिलके निकाल के इसका साइड कर देना है। अगर आप ऐसे छिल पाए तो ऐसे, नहीं तो आप इसे पीलर से छिल पाए तो आप इसे पीलर से पील कर लें। ये देखिए, इस तरीके से हमें सारा निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से सारा छिलका जब हमारा निकल जाएगा तो इसी तरीके से हम इन सारे छिलकों को निकाल लेंगे। इसे हम इधर रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे ही छिलके रिमूव कर लिए हैं सारे वाटरमेलन के। इसे हमें इसी तरीके से रिमूव कर लेना है। पहले आप इसको धो के लें। अगर आप धो के नहीं लिया है तो इसको छिलने के बाद आप इसे धो लें। फिर हमें चाहिए एक और प्लेट और फिर हम इसे कट करेंगे। देखिए, इस तरीके से पहले ऐसे कट करना है, फिर ये इस तरीके से हमें टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है, फिर हमें इसे काट लेना है। जैसे ये स्क्वायर शेप में होना चाहिए। एक और मैं कट के बताती हूँ। ऐसे करके आप साइज छोटी बड़ी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन टूटी फूटी की साइज यही होती है। ये देखिए, इस साइज में हमें इसे कट कर लेना है। इस साइज में ऐसे स्क्वायर स्क्वायर हम इन सारों को इसमें कट कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा वाटरमेलन का छिलका हमने काट के तैयार कर लिया है। ऐसे ऐसे स्क्वायर शेप में हमने इसे काटा है। तो चलिए हम इसे कुक करने के प्रोसेस में चलते हैं। हमारे पास 2 कप टूटी फ्रूटी है तो हम इसमें पानी डालेंगे पूरे 3 कप, जिससे कि टूटी फ्रूटी अच्छे तरीके से पानी में डूब जाए। पानी को हल्का गर्म होने देना है। ये देखिए, पानी हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें जो तरबूज के टुकड़ों को छिलके काट के रखे हुए थे हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको इसमें ये ध्यान देना है कि ये पूरा अच्छे तरीके से डूबा रहे। ये देखिए, इसमें से बॉयल आने लगा है। ये देखिए, इस तरीके से बॉयल आ रहा है तो हम इसे चलाते हुए थोड़ा सा इसे पका लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ट्रांसलूसेंट हो जाए, ट्रांसपेरेंट जैसा दिखने लगे तो हम इसे बंद कर देना है। हमें इसे सेपरेटली छान लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे छान के साइड कर देना है। एक बर्तन को हमने गरम करके उसमें चीनी ऐड करना है। इसमें मैंने 1.5 कप चीनी डाली हुई है। 1.5 कप चीनी में हमें 1 कप पानी ऐड करना है। हमें चीनी में अच्छे तरीके से बॉयल आने देना है। ये देखिए, इसे चलाते हुए हम अच्छे तरीके से इसे बॉयल कर लेंगे। ये देखिए, ये गाढ़ा हो चुका है। कम से कम हमें इसमें एक तार की चाशनी तो चाहिए ही। जब इस तरीके से गाढ़ा हो जाए तो हमने जो वाटरमेलन का छिलका उबाल के रखा हुआ था हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करके हम इसे चलाएंगे। चला के इसे थोड़ा सा और बॉयल होने देंगे। ये अच्छे तरीके से इसी में बॉयल होता जाएगा और ये चीनी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता जाएगा। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना चाहिए जिससे यह चीनी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले सारे साइड। ये देखिए, इस तरीके से जब लगने लगे कि चीनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है इसने, ये थोड़े साइज़ में भी छोटे हो जाते हैं, तब इसे हम बंद कर देंगे और टूटी फ्रूटी को अपना साइड कर लेंगे। और जो इसका बचा हुआ चीनी का सीरा है वो हम कभी भी जूस में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी जूस में आप इसे मिला के आराम से पी सकते हैं, ये हमें काम आ जाएगा। अब हमें चाहिए 3 खाली बोल।
इसे हम रख लेंगे और अपना जो टूटी फ्रूटी हमने बनाया है इसमें हाफ हाफ करके सारे में बराबर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे हमें गरम गरम ही करना है, इसे ठंडा होने पे इसे नहीं करना है, तुरंत ही ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र करने के बाद बराबर बराबर हमें इसमें अब कलर ऐड करना है। मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी और पहले बॉल में हमें ग्रीन कलर ऐड किया है, इसे ऐड करके अच्छे तरीके से मिला लेना है। कलर हमें इसमें थोड़ा डार्क ही ऐड करना है जिससे अच्छे तरीके से ये इसे अब्सॉर्ब कर ले तो थोड़ा ये लाइट हो जाता है। अब हम दूसरे बॉल में ऐड करेंगे रेड फूड कलर, इसे डाल के भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और दूसरे बॉल में हम हल्का सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे। हम अब इसे ठंडा होने देंगे इसी बॉल में जिससे ये कलर थोड़ा अब्सॉर्ब कर ले। फिर हम इसे थोड़ा सा फैलाते हुए एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे अलग अलग करके जिससे ये अलग अलग रहे और अच्छे तरीके से हम इसे सुखा सकें। ये देखिए एक दिन धूप में सुखाने के बाद कितनी टेस्टी और डिलीशियस हमारी टूटी फ्रूटी बनके तैयार हो चुकी है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।